हेलो फ्रेंड्स वेलकम गेन टू माय यूट्यूब चैनल सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो फाइनल एग्जाम में सिक्स मार्क्स कैरी करता है और उस क्वेश्चन में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को बोला जाता है बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना सच एज डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए इतना टाइम लग जाता है कि रिमेनिंग के क्वेश्चन छूट जाते हैं सो so, आज के इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिसकी हेल्प से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट पूरा प्रिपेयर कर लोगे आपकी बैलेंस शीट मैच भी हो जाएगी आंसर भी करेक्ट आएगा और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद बैलेंस शीट का क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले आपको बता दें कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो फाइनल एग्जाम में अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में से हमेशा आते ही हैं सो फर्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट फंड्स आपको पता है कि तरह तरह के फंड्स आपको दिए जाते हैं जिसके ट्रीटमेंट के बारे में आपसे सेपरेट क्वेश्चन में पूछा जाता है और वो क्वेश्चन थ्री या फोर मार्क्स का होता है जैसे प्राइज़ फ़ंड मैच फ़ंड टूर्नामेंट फंड एंड बिल्डिंग फंड ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के और भी बहुत सारे फंड्स होते हैं जैसे पेविलियन फंड इन सब के ट्रीटमेंट के बारे में आपको पूछा जाता है इसके रिगार्डिंग कुछ इनकम्स दी होती हैं कुछ एक्सपेंसेस दिए होते हैं आपको फाइंड आउट करना होता है कि वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आएगा या फिर इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड आएगा ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट फंड्स के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है जरूर से जाकर देख लीजिए सेकेंड जो मोस्ट प्रेफर्ड क्वेश्चन होता है एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग आउटस्टैंडिंग एट द एंड एडवांस इन द बिगनिंग एडवांस एट द एंड कई बार प्लस करनी होती है कई बार माइनस करनी होती है तो ये सारा ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी प्रिपेयर करने के टाइम पर ये आपको आना चाहिए और इसके रिगार्डिंग एक एग्जामिनर सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकता है तो इसका ट्रीटमेंट भी आपको समझ आ जाना चाहिए इसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट की हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है डिटेल में जाकर देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट जो मोस्ट प्रेफर्ड टॉपिक होता है वो है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तरह तरह के मटेरियल्स कंज्यूम करती है जैसे मेडिसिन हॉस्पिटल्स कंज्यूम करते हैं स्टेशनरीज स्कूल ऑर्गेनाइजेशन या अदर ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूम करती हैं स्पोर्ट्स मटेरियल जो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं वो कंज्यूम करती हैं तो इसमें भी आपको कंज्यूमेबल आइटम्स का ट्रीटमेंट पूछा जा सकता है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टोक क्रेडिटर्स इन दिडिंग बिगनिंग क्रेडिटर्स एट द एंड एडवांस इन द बिगनिंग एडवांस एट द एंड सारे ट्रीटमेंट आपको करने पड़ेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी और सेपरेट क्वेश्चन भी आता है थ्री टू फोर मार्क्स का सो so, इसके ऊपर भी हमने सेपरेट वीडियो क्रिएट कर रखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है जरूर से जाकर देख लीजिए अब हम स्टार्ट करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर विद बैलेंस शीट का एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे सो so ये हमारे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं गिवन बिलो इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मयूर क्लब फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है ये हमारे पास रिसिप्ट साइड है और ये हमारे पास पेमेंट साइड है सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और लास्ट में हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन एज एन एडजस्टमेंट गिवन है सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि जो भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी एज एन एडजस्टमेंट उसके दो ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं और एडजस्टमेंट आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम में थ्री से फोर आएंगे क्योंकि बोर्ड की तरफ से यह इंस्ट्रक्शन है एग्जामिनर को कि ज्यादा से ज़्यादा तीन या फिर चार एडजस्टमेंट्स डालनी है उससे ज़्यादा नहीं और अगर देखा जाए थ्री टू फोर एडजस्टमेंट में एक एग्जामिनर सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट जरूर डालेगा प्रीपेड आउटस्टैंडिंग के एडजस्टमेंट जरूर होगी और फंड्स की ट्रीटमेंट भी हो सकती है यानी ये तीन से चार एडजस्टमेंट्स हर बार आती हैं आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए अब हम डिस्कस करते हैं वो प्वाइंट जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पूरा रीड नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन को रीड करोगे तो टाइम वेस्ट होगा सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन कौन से एडजस्टमेंट गिवन है एडजस्टमेंट को भी रीड नहीं करना है सिर्फ ऑब्जर्व करना है जैसे अगर हम ओवरऑल ऑब्जर्व करें एडजस्टमेंट्स को तो मेरे को दिख रहा है सब्सक्रिप्शन यानी पहले ट्रीटमेंट सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग है तो आपने क्या करना है फर्स्ट स्टेप में ऑब्जर्व करना है एक एक एडजस्टमेंट को जो पॉइंट गिवन है जैसे सब्सक्रिप्शन तो सब्सक्रिप्शन के आगे आकर एक हल्का सा टिक लगा दीजिए इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि ये टिक मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है इससे क्या होगा आपकी एडजस्टमेंट छूटेगी नहीं क्योंकि मेजर प्रॉब्लम यही आती है स्टूडेंट्स का आंसर मैच इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो एडजस्टमेंट छोड़ देते हैं अगर एडजस्टमेंट ही छूट गई तो आंसर तो मैच होगा ही नहीं सो इसलिए आपको सबसे पहले एडजस्टमेंट्स के ऊपर फोकस करना है ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम एडजस्टमेंट ऑब्जर्व करें तो टैक्सेस म्यूनिस्पल टैक्सेस रीड नहीं करना है रीड हम तब करेंगे जब हम इसकी एडजस्टमेंट करने को आएंगे अभी रीड करोगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा अभी सिर्फ टिक लगा दो म्यूनिपल टैक्सेस जो कि हमें पेमेंट साइड गिवन है सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डिंग बिल्डिंग अगर यहां पर गिवन है तो टिक लगा सकते हैं अगर नहीं गिवन तो रहने दीजिए सो बिल्डिंग हमें कहीं पर नहीं गिवन है सो so इसको हम छोड़ सकते हैं लास्ट एडजस्टमेंट हमारे पास है इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट के ऊपर टिक लगा देना चाहिए हमें जो कि हमें यहां पर गिवन है टिक लगाने के बाद अब आपको क्या करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेना है मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर स्पेस कितनी छोड़नी होगी फाइनल एग्जाम है एक्स्ट्रा शीट भी मिल सकती है कुछ स्टेट बोर्ड्स में और कुछ में नहीं मिलते तो कोई टेंशन की बात नहीं है अकाउंट्स का पेपर है आपकी सारी शीट्स नहीं भरने वाली आप लेंथ के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पेसिंग छोड़ सकते हैं ज्यादा भी स्पेस अगर छोड़ देते हो तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है सो so, ये हमारे पास फॉर्मेट फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सो यहां पर हम लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जो भी ईयर हमें गिवन है वो हम यहां पर मेंशन करेंगे थर्टी फर्स्ट मार्च 2020 ये हमारे पास डेबिट साइड और ये हमारे पास क्रेडिट साइड सेकंड जो आप प्रॉब्लम करते हो वो यहां पर पर्टिकुलर और पर्टिकुलर लिख देते हो यहां पर हमें इनकम और एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली मेंशन करना है डेबिट साइड एक्सपेंडिचर साइड होती है तो यहां पर हमें एक्सपेंडिचर्स लिखने हैं फॉर्मेट के ऊपर आपको मेजरली फोकस करना है क्योंकि एक एग्जामिनर जो है वो पहले क्वेश्चन नहीं फॉर्मेट ही चेक करता है उसको ये होता है कि अगर फॉर्मेट से मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं तो किए जाएं इसलिए फॉर्मेट के ऊपर आपने जरूर फोकस करना है इनकम देन अगेन अमाउंट अब ये फॉर्मेट हमने प्रिपेयर कर लिया है फुल फ्लेज इसके साथ ही हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि सेकेंड ट्रिक यही है सेकेंड टिप यही है जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप अपने तीनों ही फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट उसको भी प्रिपेयर कर लो सो so ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी सो so यहां पर हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन यानी ओपनिंग बैलेंस शीट ये हमारे पास लाइबिलिटी साइड यहां पर अमाउंट और यहां पर एसेट साइड अगेन अमाउंट आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्पेस छोड़ सकते हैं सिमिलरली अब हमें लास्ट फॉर्मेट भी प्रिपेयर कर लेना है। यही टिप है यही ट्रिक है कि फॉर्मेट तीनों प्रिपेयर कर लो सो यहां पर हम भी लिख देते हैं बैलेंस शीट एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी यहां पर फॉर द ईयर एंडेड नहीं आएगा क्योंकि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर की जाती है ना कि फॉर अ पर्टिकुलर ईयर िटी अमाउंट अगेन एसेट्स एंड अमाउंट तीनों फॉर्मेट को बनाने के बाद अब आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो सो फर्स्ट टिप जो मैंने आपको दी है एडजस्टमेंट को रीड नहीं करना है ऑब्जर्व करके टिक लगाना है सेकेंड टिप तीनों फॉर्मेट आपने प्रिपेयर कर लेने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अब थर्ड टिप अब देखिए थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए ये है कि क्वेश्चन की किसी एक साइड को आपने पिक करना है उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है रैंडमली नहीं जाना है ये नहीं कि पहले एक वैल्यू यहाँ से उठा ली फिर एक वैल्यू यहाँ से कन्फ्यूजन होगी गलती से कोई एंट्री छूट भी सकती है और रोंग आंसर भी आ सकता है सो थर्ड टिप हमारी यही है कि आपको कोई एक साइड पिक करनी है या रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड पहले ये वाली साइड की सारी ट्रांजेक्शन आप ट्रीट करिए फिर उसके बाद यह सारी आइटम्स को ट्रीट करिए और जिसके आगे टिक लगा हुआ है उसकी एडजस्टमेंट भी आपने साथ में करनी है यह फोर्थ टिप है सो चलिए हम रिसिप्ट साइड को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट साइड में फर्स्ट हमारे पास है टू बैलेंस ब्रोकडाउन ये ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का कैश हमारी एसेट है तो इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे अब हम तीनों फॉर्मेट बना चुके हैं तो इसका मतलब अब हमें सिर्फ अमाउंट और आइटम आइडेंटिफाई करनी है वो इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगी या बैलेंस शीट में आएगी हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए अब क्योंकि हम फॉर्मेट बना चुके हैं तो अब कोई झंझट ही नहीं है हमें वेट नहीं करना है कि इसको बाद में लिखेंगे जब बैलेंस शीट बनानी होगी तब लिखेंगे अभी लिख दो बाद में छूट जाएगी भूल जाओगे आंसर नहीं आएगा सो यही फिफ्थ टिप है आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करना है जो आइटम जिस अकाउंट से रिलेटेड है अगर वो इनकम और एक्सपेंडिचर की है तो वहां पर लिखो बैलेंस शीट की है तो बैलेंस शीट में लिखो बैलेंस शीट में ओपनिंग वाली है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग वाली है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में मतलब कोई आइटम छोड़नी नहीं, नहीं है जहां पर आप आइटम छोड़ दोगे और ये सोचोगे कि बाद में करेंगे इसका ट्रीटमेंट अभी नहीं तो वो छूट जाएगी आंसर नहीं आएगा सो so, अब हमें पता है ओपनिंग कैश का बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा सो इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड मेंशन कर देते हैं सो यह हमारे पास बैलेंस शीट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन यहां पर हम एसेट साइड लिख सकते हैं कैश वन लेख टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऐसे ही अब आपको प्रोसीड करते जाना है

टू लैख फाइव थाउजेंड ये करंट ईयर का है और करंट ईयर में ही मिला है सिक्स थाउजेंड नेक्स्ट ईयर का है लेकिन हमें करंट ईयर में ही मिल चुका है यानी ये प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन ये करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर अब यहां पर टिक लगा हुआ है मतलब इसकी एडजस्टमेंट भी है और हमें एडजस्टमेंट भी साथ में ही करनी है तो चलिए इसके एडजस्टमेंट को रीड आउट करते हैं यहां पर हमें कह रहे हैं देयर आर फाइव हंड्रेड मेंंड्रेड फाइव हंड्रेड हैं और इच मेंबर हमें फाइव हंड्रेड रुपीज सब्सक्रिप्शन पे करता है सो so चलिए यहां पर सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं वर्किंग नोट भी आपको क्लियर कट मेंटेन करना है प्रिपेयर करना है क्योंकि एग्जाम में कई बार वर्किंग नोट प्रिपेयर करने के भी मार्क्स इंक्लूड किए जाते हैं सो so, वर्किंग नोट की अगर बात की जाए तो 500 हंड्रेड मेंबर्स हैं ईच मेंबर हमें फाइव हंड्रेड रुपीज पे करता है इसके अकॉर्डिंग करंट ईयर में हमें टू लैख फिफ्टी थाउजेंड रिसीव हो जाना चाहिए एज अ सब्सक्रिप्शन अमाउंट लेकिन अगर हम क्वेश्चन को रीड आउट करें तो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की हमें टू लैख फाइव थाउजेंड ही मिली है फोर थाउजेंड तो प्रीवियस ईयर की है इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे सिक्स थाउजेंड नेक्स्ट ईयर की है हम इसको भी काउंट अभी नहीं करेंगे करंट ईयर में हमें सिर्फ और सिर्फ टू लैक फाइव थाउजेंड सब्सक्रिप्शन ही मिली है so, इसका मतलब कुछ अमाउंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है और वो कितनी है फोर्टी फाइव थाउजेंड और इसको हम क्या बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड So, चलिए इसका भी ट्रीटमेंट साथ में ही कर देते हैं सो so, सब्सक्रिप्शन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है सो so, उसको हम इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे यहां पर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हो चुकी है टू लैख फाइव थाउजेंड और अभी भी कितनी आउटस्टैंडिंग है फोर्टी फाइव थाउजेंड सो टोटल हमारे पास आ जाएगी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड अब क्योंकि ये फोर्टी फाइव थाउजेंड आउटस्टैंडिंग है और हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है इसलिए हमें इसका सेकेंड ट्रीटमेंट भी करना होगा जो कि बैलेंस शीट में आएगा सो ये हमारे पास बैलेंस शीट है अब क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है इसलिए हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड करना होगा सो यहां पर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि है फोर्टी फाइव थाउजेंड सब्सक्रिप्शन के सेकेंड पॉइंट में हमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है यहां पर हमें कह रहे हैं रुपीज फाइव थाउजेंड आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन यहां पर हमें कह रहे हैं कि टू थाउजेंड नाइनटीन जो कि प्रीवियस ईयर है उसमें फाइव थाउजेंड अभी भी आउटस्टैंडिंग है अभी भी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि ये पैसा अभी भी नहीं मिला है लेकिन कुछ पैसा तो मिल चुका है और वो कितना है फोर थाउजेंड यानी अगर हम बात करें टू थाउजेंड नाइनटीन की तो टू थाउजेंड नाइनटीन में टोटल अमाउंट नाइन थाउजेंड आउटस्टैंडिंग थी जिसमें से फोर थाउजेंड हमें करंट ईयर में मिल गया तो अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है फाइव थाउजेंड और वही हमें यहां पर इंफॉर्मेशन गिवन है सो इसका भी हमें ट्रीटमेंट करना होगा सो फाइव थाउजेंड क्योंकि अभी भी आउटस्टैंडिंग है इसलिए हमें यहां पर इसको रिकॉर्ड करना होगा आउटस्टैंडिंग फाइव थाउजेंड टोटल आ जाएगा फिफ्टी थाउजेंड और बिगिनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग था नाइन थाउजेंड सो वो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नाइन थाउजेंड आई so होप आपको यह क्लियर है कि नाइन थाउजेंड हमने कैसे रिकॉर्ड किया क्योंकि सिंपल है क्वेश्चन में हमें कह रहे थे थाउजेंड इज स्टिल आउटस्टैंडिंग स्टिल आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि फाइव थाउजेंड अभी भी आउटस्टैंडिंग है और फोर थाउजेंड जो कि हमें रिसिप्ड साइड गिवन है वो हमें मिल चुका है यानी टोटल आउटस्टैंडिंग तो नाइन थाउजेंड था लेकिन एक दो महीने बाद एक बंदे ने आके हमें चार हजार दे दिए तो आउटस्टैंडिंग कितने बचे फाइव थाउजेंड सो इसका मतलब जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा और जो टोटल आउटस्टैंडिंग है जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा सो so ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं सब्सक्रिप्शन के पॉइंट में लेक्चर स्पेसिफिकली वो टिप्स बताने के लिए रिकॉर्ड किया गया है जो आपके फाइनल एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे इजिली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सो so चलिए ऐसे ही क्वेश्चन में एक और पॉइंट हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2021 की सब्सक्रिप्शन हमें 2020 में ही मिल गई है यानी ये सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिली है सो so इसका ट्रीटमेंट भी हमें बैलेंस शीट में करना होगा अब क्योंकि ये एट द एंड में मिली है इसलिए इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे कहां पर लाइबिलिटी साइड यह हमारी एक तरह से लाइबिलिटी है क्योंकि हमें पैसा एडवांस में मिल चुका है हो सकता है कि वापस भी करना पड़ जाए so, यहां पर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस दैट इज सिक्स थाउजेंड सो अगर आप ऐसे ही पूरा फॉर्मेट फॉलो करते हो एडजस्टमेंट्स को टिक कर लेते हो टिक करने के बाद फॉर्मेट प्रिपेयर करते हो और फॉर्मेट प्रिपेयर करने के बाद जो आइटम इनकम और एक्सपेंडिचर की है उसको वहां ट्रीट किया जो बैलेंस शीट में आते हैं उसको वहां ट्रीट किया इससे आपकी कोई एंट्री नहीं छूटेगी क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बैलेंस शीट भी मैच हो जाएगी चलिए ऐसे ही नेक्स्ट अब हमारे पास है डोनेशन अब डोनेशन स्पेसिफिक है या जर्नल है ये हमें नहीं बताया स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड होती है लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन हो तो हम इसको जनरल डोनेशन ट्रीट करेंगे और ये इनकम साइड रिकॉर्ड किया जाएगा सो so, यहां पर हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर में बाय डोनेशन फिफ्टी फोर थाउजेंड अब डोनेशन के आगे कोई टिक नहीं लगा हुआ इसका मतलब इसके कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है सो so, हमें एडजस्टमेंट बार बार देखने का झंझट ही नहीं रहेगा अगर हम पहले बिगनिंग में ही एडजस्टमेंट्स को टिक कर देंगे सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है टू प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट अब यहां पर हमें ड्रामा एक्सपेंसेस भी गिवन है और ड्रामा टिकट्स जो हमने बेची हैं उसकी इनकम भी गिवन है लेकिन ड्रामा फंड तो नहीं गिवन तो इसका मतलब जो रिसिप्ट है वो इनकम साइड आएगी और जो एक्सपेंसिज हैं वो एक्सपेंडिचर साइड आएंगे कोई टिक नहीं लगा हुआ यानी कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है तो इसको हम इनकम साइड रिकॉर्ड कर सकते हैं सो so, यहां पर हम लिखेंगे बाय प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा टिकट्स दैट इज नाइन्टी फाइव थाउजेंड ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स ऑफ वेस्ट पेपर फॉर्टी फाइव हंड्रेड अब ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है सो तो इसको भी हम इनकम साइड रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय सेल्स ऑफ वेस्ट पेपर फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब देखिए ये टिप्स फॉलो करते हुए हमने रिसिप्ट साइड पूरी कंप्लीट कर ली कोई आइटम छूटी भी नहीं है और हमने छोड़ी भी नहीं है किसी के ट्रीटमेंट को हमने इग्नोर नहीं किए यानी अब हम इस लाइन को पूरा कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि अब हम इसके एडजस्टमेंट कर चुके दोबारा इसको देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है अच्छा सैलरीज के रिगार्डिंग भी हमें एक छुपी हुई एडजस्टमेंट यहां पर गिवन है जो कि लास्ट में तो इसको भी टिक कर ही लेते हैं चलिए सो सैलरीज ऑब्वियसली हमारे एक्सपेंसिज हैं सिक्सटी थाउजेंड यह हमें कहा रिकॉर्ड करने एक्सपेंडिचर साइड लेकिन टिक लगा हुआ है तो इसके एडजस्टमेंट देख लेते हैं जो कि हमें सेकंड के साथ ही गिवन थी लास्ट में रुपीज फाइव थाउजेंड आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज यानी फाइव थाउजेंड की पेमेंट हमने अभी तक नहीं की है तो इसको प्लस कर देंगे सो so ये हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर साइड हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू सैलरीज सिक्सटी थाउजेंड और इसमें प्लस कर देंगे वो अमाउंट जो अभी तक हमने नहीं दी है दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी अब जो भी इंफॉर्मेशन हमें एज एन एडिशनल दी होती है उसका डबल ट्रीटमेंट हमें करना होता है तो इसीलिए हमें इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में भी करना होगा ऑब्वियसली ये सैलरी करंट ईयर की है हमने करंट ईयर की सैलरी अभी तक पे नहीं की है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में हम इसको लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरीज फाइव थाउजेंड ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंसेस किस चीज के एक्सपेंसेस है कुछ नहीं बताया नॉर्मल एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया जाएगा एक्सपेंडिचर साइड सेवेंटी फाइव हंड्रेड कोई टिक नहीं लगा हुआ यानी कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है सो so, यहां पर हम लिख देंगे टू एक्सपेंसिस सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास गिवन है ड्रामा एक्सपेंसेस फोर्टी फाइव थाउजेंड इसका भी कोई टिक नहीं है यानी कोई एडजस्टमेंट नहीं है सो एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर साइड इसको भी रिकॉर्ड कर देंगे सो इसका मतलब अगर आप ये कुछ फाइव टू सिक्स टिप्स फॉलो करते हो तो क्वेश्चन इंस्टेंटली सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा इन टिप्स को एटलीस्ट आपको फाइव टाइम्स फॉलो करने फाइव टाइम्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यही टिप्स फॉलो करनी है तो इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे न्यूज पेपर फिफ्टीन थाउजेंड सो ये भी एक तरह का एक्सपेंस है इसको so यहां रिकॉर्ड कर देंगे फिफ्टीन थाउजेंड ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है म्यूनिसपल टैक्सेस और इसके आगे टिक भी लगा हुआ है यानी इसके एडजस्टमेंट भी है फोर थाउजेंड सो आइए इसके एडजस्टमेंट देख लेते हैं एडजस्टमेंट में हमें कह रहे हैं म्यूनिसपल टैक्सेस अमाउंटेड टू रुपीज फोर थाउजेंड पर ईयर यानी पूरे साल के अगर टैक्सेस की बात करें तो वन ईयर के हम फोर थाउजेंड टैक्सेस पे करते हैं लेकिन हमने ये जो टैक्सेस हैं वो थर्टीएथ जून तक पे किए हैं यानी इसका मतलब ये एक तरह के प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो इनका ट्रीटमेंट हमें करना होगा ब्रैकेट में हमें कह रहे हैं प्रीपेड म्यूनिसपल टैक्सेस इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर थाउजेंड प्रीपेड इन द बिगिनिंग गिवन है थाउजेंड प्रीपेड एट द एंड वो हमें कैलकुलेट करने हैं सो आइए यहां पर हम अपना रफ वर्क प्रिपेयर कर लेते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ म्यूनिसिपल टैक्सेस सो म्यूनिसिपल टैक्सेस जो कि फोर थाउजेंड है फॉर ट्वेल्व मंथ्स अगर हमें थ्री मंथ्स की कैलकुलेशन करनी है तो हमें थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हमने थ्री मंथ्स का ही तो एडवांस दिया है हमने थर्टी जून तक की पेमेंट की है जबकि हमारी बुक्स थर्टी फर्स्ट मार्च को ही क्लोज हो जाती है इसका मतलब हमने अप्रैल मई और जून इन तीन महीनों की एडवांस पेमेंट की है सो थ्री मंथ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नाइनटी नाइन नाइन पॉइंट नाइन नाइन समथिंग यानी राउंड ऑफ करके हम इसको थाउजेंड बोल सकते हैं सो so, ये क्या कहलाएगा प्रीपेड एट द एंड सो एडवांस पेड एट द एंड हमें माइनस करना होता है और एडवांस इन द बिगनिंग हमें प्लस करना होता है जो कि हमें गिवन है और दोनों थाउजेंड ही हैं एडवांस इन द बिगनिंग भी थाउजेंड है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है और एडवांस एट द एंड जो हमने कैलकुलेट किया वो भी थाउजेंड है थाउजेंड ही प्लस करेंगे थाउजेंड ही माइनस करेंगे तो आई नो कि आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन एग्जाम में आपको ये ट्रीटमेंट शो करना होगा अगर नहीं शो करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि शायद आपको आता ही नहीं है तो वो मार्क्स काट लेगा एडजस्टमेंट्स के जो सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं वो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको सो so, यहां पर हम लिखेंगे टू म्युनिसिपल टैक्सेस क्योंकि एक्सपेंसेस हैं फोर थाउजेंड प्लस करेंगे बिगनिंग थाउजेंड और माइनस करेंगे एट द एंड थाउजेंड वैल्यू सेम आएगी दैट इज फोर थाउजेंड अब क्योंकि एडवांस इन द दिग्निंग एडवांस एट द एंड हमें दे रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो इसका ट्रीटमेंट हमें बैलेंस शीट में भी करना होगा दोनों ही थाउजेंड है एक बिगिनिंग है और एक एडवांस है एट द एंड वाला तो दोनों ही हमें थाउजेंड थाउजेंड मैं करने होंगे अब ये हमारी एसेट है कि लाइबिलिटी सिंपल ये हमारी एसेट है क्योंकि हमने एडवांस में पे किया है हम जब मर्जी पैसा वापस मांग सकते हैं सो यहां पर हम लिखेंगे प्रीपेड म्यूनिसपल टैक्सेस थाउजेंड और यहां पर भी हम लिखेंगे अब देखो हमने इनकम और एक्सपेंडिचर में भी ट्रीटमेंट कर दिया बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट साथ के साथ कर रहे हैं कोई छोड़ नहीं रहे हैं इसका मतलब बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर ही फोकस करते हैं बैलेंस शीट नहीं बनाते फिर बैलेंस शीट बनाने के लिए उनको दोबारा से क्वेश्चन रीड करना पड़ता है दोबारा से टाइम वेस्ट करना पड़ता है So, ये टिप्स आप फॉलो करिए इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास आता है चैरिटी कोई टिक नहीं है एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस साइड रिकॉर्ड करेंगे यहां पर लिखेंगे टू चैरिटी दैट इज थर्टी फाइव थाउजेंड ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट्स, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं यानी ये एक तरह की हमारी एसेट है तो बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड करेंगे टू लैख साइड कौन सी बैलेंस शीट में टू 2020 यानी करंट ईयर की बैलेंस शीट में टिक लगा हुआ है यानी इसकी भी एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट हमें कह रही है सिक्स परसेंट इंटरेस्ट हैज्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर फाइव मंथ्स यानी ये जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है ना इसके ऊपर हमें सिक्स परसेंट इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए अक्रूड मतलब मिल जाना चाहिए लेकिन मिला नहीं है कितने मंथ्स के लिए फाइव मंथ्स के लिए तो आइए इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारे पास है टू लैख इसका मतलब हमने टू लैख इन्वेस्ट किया है इसके ऊपर हमें सिक्स परसेंट इंटरेस्ट मिलना चाहिए कितने मंथ्स के लिए फाइव मंथ्स के लिए आउट ऑफ ट्वेल्व सो ये हमारे पास आएगा बाउट फाइव थाउजेंड सो इसका मतलब फाइव थाउजेंड हमें अभी तक नहीं मिला है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ऑब्वियसली ये एक तरह का सोर्स ऑफ इनकम है जिसकी अमाउंट हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई तो इसको हम कहा पर रिकॉर्ड करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड यहां पर लिखेंगे बाय अकर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज फाइव थाउजेंड और इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में भी करना है बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा सबसे पहले तो हम यहां पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू है टू लैख और इसके साथ ही हम लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज फाइव थाउजेंड सो so, ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास गिवन है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो कि ऑब्वियसली एक्सपेंसेस हैं सो एक्सपेंसेस साइड रिकॉर्ड करेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एग्जाम में आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है लास्ट हमारे पास गिवन है बाय बैलेंस कैरी डाउन और ये बैलेंस कैश बैलेंस होता है एट दी एंड नाइन्टी थाउजेंड तो इसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में यानी करंट ईयर की बैलेंस शीट में सो यहां पर हम लिख देंगे कैश जो कि गिवन है नाइनटी थाउजेंड इसका मतलब क्वेश्चन हमारा फुल कंप्लीट हो चुका है बस एक ट्रीटमेंट हमें करना है और वो क्या है बिल्डिंग क्योंकि बिल्डिंग हमें रिसिप्ट और पेमेंट में नहीं गिवन है बस इतना दिया हुआ है बिल्डिंग स्टैंड इन बुक्स एट रुपीज फाइव अब ये कब की वैल्यू है मतलब पहले से ही हमारे पास बिल्डिंग थी या हमने अब एक्वायर किया ये कैसे पता चलेगा तो सिंपल है अगर आपको ऑलरेडी बिल्डिंग की वैल्यू यहां पर दे रखी है तो ये बिगनिंग की वैल्यू होती है अगर आपने करंट ईयर में एक्वायर की है तो उसकी वैल्यू यहां पर लिखी होगी ना बिल्डिंग सो इसका मतलब ये कौन सी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा ओपनिंग बैलेंस शीट एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट ओपनिंग में भी आएगा क्लोजिंग में भी आएगा रीजन क्योंकि पहले भी हमारे पास बिल्डिंग थी और अब भी है हमने बेची तो नहीं है ना इसलिए ये दोनों ही बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा सो so, यहां पर हम लिखेंगे बिल्डिंग दैट इज फाइव लैख और कोई डेप्रिसिएशन हमें नहीं दे रखी है तो यहां पर भी हम कंप्लीट वैल्यू ही लिखेंगे बिल्डिंग दैट इज फाइव लैख अब देखिए क्वेश्चन के जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो मैंने सभी आपको बता दिए जो भी टिप्स और ट्रिक्स थे वो हमने सारे फॉलो किए और कोई एंट्री छूटी भी नहीं है सारी एडजस्टमेंट्स हम कर चुके हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन जो गिवन थी उसके एडजस्टमेंट भी हम साथ के साथ करते रहे यानी एडजस्टमेंट को भी रीड करने की जरूरत नहीं है अब हम फाइनली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि हमें सरप्लस हुआ है या डेफिसिट सबसे पहले तो आपको क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल करना है क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास आ रहा है फोर लैख एटी फाइव हंड्रेड जबकि डेबिट साइड का हमारे पास टोटल है वन लैख एटी सिक्स थाउजेंड तो इसका मतलब जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट साइड अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो वो बिजनेस के लिए सरप्लस होता है तो उसको हम यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे यहां पर लिखेंगे टू सरप्लस सो फोर लैख एटी फाइव हंड्रेड में से हम वन लैख एटी सिक्स थाउजेंड माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी टू लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और यहां पर हमें टोटल भी मेंशन करना है इसके बाद आपको कैपिटल फंड फाइंड आउट करना होगा और कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए आपको एसेट साइड प्लस करनी है लाइबिलिटी साइड अगर कुछ गिवन है तो वो माइनस करोगे नहीं गिवन तो यही टोटल यहां पर कैपिटल आ जाएगा सो वन लैख टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस नाइन थाउजेंड प्लस थाउजेंड एंड प्लस फाइव लैख सो ये हमारे पास आएगा सिक्स लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड So, ये जो आपका बैलेंस है यही क्या कहलाएगा कैपिटल यानी ये बिजनेस में इन्वेस्ट की गई अमाउंट है और यही कैपिटल हम यूज करेंगे यहां पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में आई होप कि आपको टिप्स पता चल गई हैं और आप रियलिटी में भी उसको फॉलो करोगे अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करना ताकि फ्यूचर में जितने भी लेक्चर्स हम अपलोड करते हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी मिलती रहे सो so, कैपिटल में हम सरप्लस की वैल्यू ऐड कर देंगे ये हमारे पास आ जाएगा एट लैख थर्टी फाइव थाउजेंड अब फाइनल आंसर आपका एसेट और लाइबिलिटी मैच करना चाहिए अगर मैच करता है तो इसका मतलब आपका आंसर एकदम सही है सो एसेट साइड का टोटल हमारे पास आएगा एट लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड और यहां पर भी हमारे पास कितना आ रहा है एट लैक फोर्टी सिक्स थाउजेंड सो आई होप की कॉन्सेप्ट क्लियर है ऐसे ही आपको एटलीस्ट फाइव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फाइनल एग्जाम से पहले ताकि ये स्टेप्स आपके माइंड में सेव हो जाए आप वो गलती दोबारा रिपीट ना करो फाइनल एग्जाम में जो आप अक्सर टेस्ट में करते हो